रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। स्टूडेंट हरदली ओपन योर उर्दू बुक्स एंड कम टू पेज नंबर, यस पेज नंबर 26। कल हमने इसकी जो थी एक्सरसाइज वो पूरी कर ली। इस नेक्स्ट में आपका आ रहा है पेज नंबर 26 पे, मिलाइए और पढ़िए। आपने इन हरूफ को पढ़ना भी है कि कैसे इनकी हो रही है अदायगी, और साथ में आपने इनको मिलाना भी है। खे ख्याफ जो होती है आपकी क्याफ और साथ हे, ख और बढ़िए, खे और साथ आपने ले खेले। ये जो आपकी जब मिला के लिखेंगे बढ़िए की आवाज़ को, हम ये में कैसे लिखेंगे, खेले ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। खेले कैसे आप लिखेंगे, क्याफ और हे जब मिलके इसको आवाज़ भारी बन जाती है, ख बन जाता है, और ये ले खेले। बोलने, लाम की छोटी शक्ल बन जाएगी बोलने, ठीक है। इसके पेज के स्टार्ट पे आप घर का काम लिखेंगे मिडल में, और इधर तारीख और दिन भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। बारी, ये तो एज इट ऐसे ही रहेगा बारी। हल्की, लाम की छोटी शक्ल बन जाएगी हल्की। गिनती, नून की छोटी शक्ल, गाफ पूरा रहा जो उधर था मतलब हाफ शक्ल में, नून की भी आपने छोटी शक्ल की और ते छोटी थी वैसे ही। मेरा, मीम के साथ जो ये है वो दो नुक्तों में आ जाएगा मेरा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नीचे देखें, पढ़िए और अलग कीजिए। पहले आपने उनको मिलाया था, अब उनको आपने अलग करना है। याद रखिए हे के मरकब हरूफ एक साथ ही लिखे जाते हैं, मसलन घर है तो हे को और गाफ को हम अलग नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने जब खेले लिखा था तो वो इकट्ठे लिखा था, ठीक है। ग और प्लस साथ आप रे लिखेंगे। बिस्तर, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बे, उसके बाद सीन, बिस्त, ते और रे, बिस्तर। खेल, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि क्याफ और हे को आपने अलग नहीं करना, ख पूरा लिखना है। हमने ख पूरा लिख लिया, आगे खेल बढ़िया लग आएगी और लाम एंड में चला जाएगा खेल। उसके बाद देखें शोर, शीन, वाव, रे, शोर, निकल, नून, क्याफ, लाम, निकल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह ये जो आपका कल मैं आपको राइटिंग टास्क करवा दूंगी, ये आपकी नोटबुक वाला टास्क है, ठीक है। आज आपने बुक वाला काम ही करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।